भारत सरकार देश के हर कोने को विकास से जोड़ रही है, लेकिन देश में एक ऐसा भी गांव है जो विकास से कोसों दूर है। वो गांव कोई और नहीं बल्कि मऊ का काझा गांव है। मऊ का काझा गांव स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जाना जाता है, लेकिन आज ये गांव विकास से बिल्कुल अनजान है। जब R9 टीवी के संवाददाता यहाँ हाल जानने पहुंचे तो खंडर में तब्दील अस्पताल ने गाँव की स्थिति को बयान कर दिया। वहीं सरकार ने नया प्राथमिक केंद्र तो बना दिया, लेकिन डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं आते। यही नहीं, अस्पताल का काम फार्मासिस्ट के भरोसे चलता है। इस अस्पताल में मरीज तो आते हैं, लेकिन डॉक्टर के भरोसे नहीं बल्कि फार्मासिस्ट के भरोसे। देखिए रिपोर्ट। ये खंडर नुमा आलिशान इमारत कभी अंग्रेजों का अड्डा हुआ करती थी। दरअसल ये उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। देश के अलग अलग हिस्सों में जब देश को आजाद कराने के लिए चिंगारी सुलग रही थी, तब मऊ जिले के काझा गांव के लोग भी अंग्रेजी हुकूमत से छुटकारा चाहते थे। इस गांव में अंग्रेजों के जुल्म और कहर की निशानी आज भी मौजूद है। अंग्रेजों की बड़ी कोठी के नाम से मशहूर मिश इशावा का बंगला आज भी है, जिसको गांव के लोगों ने 14 अगस्त 1943 को आग के हवाले कर दिया और सरकारी अभिलेखों को जला दिया था, जिसने ब्रिटिश सरकार की नींव दी थी। सन 42 में सबसे मूल, चूंकि यह अंग्रेजों का प्रतीक, यह कोठी अंग्रेजों की प्रतीक थी, चूंकि अंग्रेजों के अंडर में थी, इसलिए पहला अटैक वो लोग इसी कोठी पर किए। इस गांव को स्वतंत्रता सेनानियों का गांव कहा जाता है, लेकिन विकास के नाम पर यहां कुछ होता नहीं दिखाई देता। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं और गांव के बुजुर्ग प्रिंसिपल साहब अभी जिंदा हैं। वो बताते हैं, जो सेनानी थे उन्होंने ये जरूर सोचा होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी आजाद रहेगी और उसको आजाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गांव था, है। 56 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज़ादी के इतने दिनों 70-72 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद जो उस समय अस्पताल था, वो अस्पताल तो है लेकिन अस्पताल पर न डॉक्टर हैं, न यहाँ कोई बेड है और न यहाँ पर कोई सुविधा है। तो सुना आपने, आज देश 71वां गणतंत्र मना रहा है और स्वतंत्रता सेनानियों का गांव मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। यहाँ आजादी की चिंगारी को भड़काने का कई सौ लोगों ने किया, उसमें से करीब 100 से 150 लोगों पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें अकेले काझा गांव के 67 से 70 लोग शामिल थे। लेकिन ये गांव आज अनदेखी का शिकार बना हुआ है। कोई मरीज दवा दी जाती है, बाकी जो सुविधा होगी PSC या जिले लेवल पर होती होगी। हमारे सब लोग जो आते हैं मरीजों को दवा देते हैं, जो वृद्ध हैं ओल्ड मैन हैं उनको प्रायोरिटी देते हैं। अब शाहदर फार्मासिस्ट महोदय या तो बताना नहीं चाहते या फिर बता नहीं पा रहे, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी के परिजन क्या कहते हैं सुनिए। ये सात पट्टी का गांव है, इस गांव में कम से कम छोटे बड़े कम से कम 100 गांव हो जाएंगे, उतना बड़ी आबादी है, उतनी बड़ी जनसंख्या है, उतने बड़े इतने लोग हैं। लेकिन जो है हॉस्पिटल सरकारी हमारा बना हुआ है ब्रिटिश टाइम से, वो जैसा था वैसा ही है, नया निर्माण कराया गया उसको तोड़ करके। बहरहाल अंदाजा लगाना आसान है कि जहां से कभी आजादी की चिंगारी का जन्म हुआ, वहां आज विकास की लौ जलाने वाला कोई नहीं। मऊ से रविंद्र सैनी, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।